रैलियों पर रोक के बाद अब पार्टियों ने जमीनी स्तर पर प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर कैराना में खटखट पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, जहां गृह मंत्री अमित शाह कैराना की गलियों में डोर टू डोर लोगों से मिले, वहीं पलायन के पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता। व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। मुद्दा पलायन का हो तो यूपी की सियासत में तस्वीर कैराना की आती है। सियासत हिंदुत्व की हो तो कैराना से पलायन हुए परिवार सियासी चेहरे बन जाते हैं। सवाल पश्चिमी यूपी का था तो अमित शाह ने डगर कैराना से पकड़ी, डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे, वादों के पर्चे बांटे। गलियां संकरी हैं लेकिन रास्ता पश्चिमी यूपी से होते हुए लखनऊ तक जाता है। पलायन कर चुके परिवारों के साथ शाह ने अपना दर्द भी बांटा। बीजेपी कैराना की इसी नब्ज को पकड़ती है, जिसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराती है। जिस राजनीतिक सोच से बीजेपी ने 2017 में पश्चिमी यूपी का किला फतह किया था, उसका गढ़ कैराना है। कैराना से निकला संदेश इस क्षेत्र के 136 सीटों का भाग्य तय कर सकता है। लिहाजा मोदी के सबसे बड़े सेनापति अमित शाह ने महीनों पहले ही संदेश का मजमून तैयार कर लिया था। साल तक ये सपा बसपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर कर उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो। कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा उठाने वाले बीजेपी सांसद हुकुमदेव सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके आवाज की गूंज अभी भी बीजेपी की चुनावी सभाओं में पुरजोर सुनाई देती है। कैराना से उन्हीं की बेटी मृगांका सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं, तो समाजवादी आरएलडी गठबंधन ने विधायक नाहिद हसन को फिर से टिकट दिया है। वहीं नाहिद हसन की बहन इकरा ने भी इसी सीट से निर्दलीय नामांकन कर दिया है। जब एसपी आरएलडी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जंग कैराना से शुरू हुई। योगी सरकार ने एसपी आरएलडी उम्मीदवार नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था और उम्मीदवार घोषित किए जाने के 2 दिन बाद ही उन्हें कैराना से गिरफ्तार कर लिया गया। नाहिद को टिकट दिए जाने पर जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की घेराबंदी की, तो अखिलेश भी नाहिद के बचाव में मैदान में उतर आए। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। अखिलेश भी समझ रहे हैं कि नाहिद हसन के चारे से वो बीजेपी के जाल में फंस सकते हैं, लेकिन पसोपेश में है। माना जा रहा है कि नाहिद की बहन इकरा की कैराना सीट से निर्दलीय दावेदारी इसी का तोड़ है, ताकि ऐन मौके पर नाहिद को बिठाकर इकरा के नाम पर समर्थन जुटाया जा सके। नाहिद हसन जेल चले गए, अब उसको किस तरह से देखते हैं सपा पार्टी के वो प्रत्याशी हैं? सभी को पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब मामला, कोई इसमें सब बेसलेस है और उन्हें ये बौखलाहट दिखाती है बीजेपी की कि वो प्रत्याशी को अपने चुनाव से दूर कर रखा है उन्होंने, तो साफ जाहिर है कि उनकी हार इंशाल्लाह निश्चित है। मृगांका सिंह 2017 की विधानसभा चुनाव नाहिद हसन से, 2018 का लोकसभा उपचुनाव नाहिद की मां तबस्सुम से हार चुकी हैं, लेकिन यहां खेल कैराना सीट का नहीं है, बल्कि खेल है कैराना से पश्चिमी यूपी को साधने का, जहां से निकला संदेश पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा फायदा दे रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर मृगांका सिंह पर बीजेपी ने दांव खेला है। अमित शाह और योगी लगातार यहां के पीड़ित परिवारों से मिलने आ रहे हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमारे कैराना में मौजूद हुए थे, वो हमारे जो प्लान यहाँ से लोग कर गए थे उनको सद्भावना देने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए आज मौजूद थे। योगी की सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था पे थोड़ा सा
वो अंतर हुआ है मैडम, थोड़ी सिक्योरिटी दी गई है यहाँ पे। को भाजपा ने तो सबको साथ लेके चली है, भाजपा सबका विकास किया है और सबका सबको ही सुरक्षा प्रदान की है भाजपा ने। मोदी के नाम की आधी ने किराना और मुजफ्फरनगर के रास्तों पर उड़ रही धूल को पश्चिमी यूपी के सियासी आकाश पर ऐसा गुबार बना डाला कि 2017 के चुनाव में विरोधी आंख मलते रह गए। जाति और धर्म के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए और समाजवादी पार्टी के कब्जे वाला पश्चिमी यूपी भगवा रंग में रंग गया। जाट मुसलमान समीकरण साधकर पश्चिमी यूपी में झंडे गाड़ने वाली समाजवादी पार्टी 2017 में करीब 21.5% वोट के साथ महज 21 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 42.54% वोट के पश्चिमी यूपी की 136 में से 109 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी। मैंने कहा आज आपको कोई दिक्कत तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं। उस परिवार में छठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है, लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी एक अभी जमानत पे आया है, चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है। आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। वैसे योगी सरकार कैराना की चिंगारी को 5 साल तक हवा देकर जिंदा रखे हुए है। हिंदू परिवारों को यहां दोबारा बसाने के दावे किए गए, लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने के लिए कई मंत्री यहां सफाई कर चुके हैं। अब जरूरत है तो एक जोरदार फूंक की ताकि ये चिंगारी फिर से 5 साल पुरानी ज्वाला बनकर विरोधियों को खाक कर दे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के माहौल में गृह मंत्री आज कैराना आके उन परिवार वालों से मिले जो हिंदू एक्सोडस के तहत 2014 में कैराना से पलायन कर चुके थे और योगी सरकार के आने के बाद वो वापस आए, उन सारे परिवार से आज अमित शाह जी यहां कैराना में मिले हैं। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कि जो कैंडिडेट है नाहिद हसन, उनकी बहन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की भी एक नॉमिनेशन भरी है। तो फैसला कैराना में क्या होगा वो तो मार्च में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल भाजपा ने फिर से हिंदू एक्सोडस का मुद्दा छेड़ दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन चंदोक के साथ श्रेया चटर्जी आज तक।